हेलो दोस्तों, आप लोग आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, कंसील सिस्टम से कॉमोड में कैसा पानी लीकेज हो रहा है, लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये हम लोग का पहले का पोजीशन जो पानी लीकेज हो रहा है, इसको सही करने का कैसा पोजीशन निकल सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अब तक बने रहिए हम लोग वीडियो देखने के लिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला कंसील सिस्टम का ढकना वो खोलना पड़ेगा, धीमे से खोलना पड़ेगा क्योंकि कंसील सिस्टम का प्लेट है। एक एक पार्ट करके खोल के कंप्लीट करना पड़ेगा इसको। इसको खोलने के बाद तो कनेक्टर वो खोलना पड़ेगा, कनेक्टर अब कनेक्टर वो तो कोई हालत से ही खोलना पड़ेगा, हाथ से तो खुल नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पकड़ थमाना पड़ेगा। इसको तो हमें पानी को खाली करना पड़ेगा, पानी की टंकी का पानी खाली करके पक्कड़ से खोलना पड़ेगा इसमें। अब कनेक्टर तो खुल गया कोई हालत से, अब बल्कों को निकालना पड़ेगा। अब बल्कों को निकालने के लिए ये हुआ बल्कों, तो बल्कों का हाल भी देख लीजिए अब क्या हाल में है, क्या कर सकते हैं हम लोग इसको देखते जाइए क्या क्या कर सकते हैं। ये हाल हुआ है, सब बैठ गया है, पानी में तो आयरन का कमी नहीं है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो अच्छे से। उसको खोलना पड़ा हम लोगों, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाटर फिल्टर है जो बल्कों को थाम के रखता है सब कचड़ा का से। उसका अंदर सबसे कीमती चीज़ है छोटा सा जो वासर है ये वाला, इसको तो कोई हालत से सब खोल के इसको पहले देख लीजिए क्या हम लोग कर सकते हैं इसको। ये खोले हैं हम लोग, सबसे बड़ा हम लोग गलती किए हैं जिसको पहले हमको थोड़ा हाथ का ग्लास पहनने चाहिए था, हाथ का ग्लास पहने नहीं, आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। इसको वॉश कर लीजिए सही से नॉर्मल पानी से, पानी में नॉर्मल पानी में तो वॉश करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है इतना जो आयरन है। और थोड़ा सावधानी से सब छोटा छोटा फिटिंग्स तो सब खोलना पड़ेगा, जितना वॉशर है इतना है सब सावधानी से रखना पड़ेगा, छोटा सा भी वॉशर साइड हो जाएगा तो फिर आप लोग को तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग भी, कोशिश करिए। आयरन से सब बैठ गया देख लीजिए, ये मेन है फिल्टर जो पानी अंदर जाता है, मेन फिल्टर ये है, कैसा हाल हो पड़ा हुआ है देखिएगा। अब यही है मेन चीज जिससे हम लोग क्लीन कर सकते हैं एसिड का, उतना खास अच्छा भी नहीं है इतना खास बुरा भी नहीं है, हमें होल करना पड़ेगा जो आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्लास लगा लिए हैं आप लोग की वजह से, थोड़ा सावधानी से यूज करिएगा। अब क्या करना पड़ेगा, एक एक फिटिंग को हम लोग वॉश करना पड़ेगा। हम लोग एक छोटा सा कौटा ले लेते हैं, दीजिए कौटा दीजिए हम लोग, कौटा ले लिए, इसको वॉश करिए सही से, थोड़ा सावधानी से वॉश करिएगा ना, तो बहुत खतरनाक चीज़ है इसको। मुँह हाथ थोड़ा सावधान रखिएगा, इसको वॉश करना जरूरी है, नहीं तो वॉश नहीं करिएगा तो इसको कुछ काम नहीं करे जितना आयरन बैठा हो। अब देखिए कैसा चमक रहा है, जितना आयरन है कैसा निकला हुआ है देखिए। आप लोग भी इस चीज़ को यूज कर लेते हो, थोड़ा सावधानी से करिएगा, जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। देखिए एसिड का हाल कैसा हुआ देखिए,
थोड़ा वाशर जहाँ जहाँ लगा हुआ है थोड़ा वाशर वालों को थोड़ा सावधान से यूज करिए। जब वाशर ज़्यादा एसिड में जाएगा तो फिर वाशर बिगड़ जाएगा, तो फिर पानी डबल लीकेज करने चालू होगा। अब एसिड को फेंकना है, फिर नया से एसिड डाल का और भी कुछ फिटिंग और सब को हम लोग को फिर वॉश करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा चमक रहा है सब, सब बाकी है थोड़ा वॉश करने के लिए। ये सब भी हम लोग वॉश कर लेते, कंप्लीट करवा लेते हैं। वॉश का काम ख़त्म होने के बाद में फिर नेक्स्ट जब हम रिफिटिंग करेंगे वो भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग आप लोग, और भी अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, देखते जाइए। अब इसको उठा लेते हैं, उठा कर सबको अच्छा पानी से धुलाई भी कर लेते हैं हम लोग। तो टाइम देना सही है, सब सही से धुलाई कर लेंगे तो फिर सब आयरन नहीं बैठा रहेगा, आयरन बैठा रहेगा तो फिर पानी कैसे ना कैसे निकलते रहेगा। ये मेन वाटर फिल्टर है जो एसिड में डूबा हुआ है, यह वाटर फिल्टर है। तो हम लोग फिटिंग करते हैं, फिर चालू किए हैं फिटिंग करने के लिए। देख लीजिए, देख लीजिए सब चमक रहा है एसिड वॉश से। फिटिंग करते देख लीजिए कैसा क्या फिटिंग होता है, छोटा से भी आगे पीछे होगा तो फिर पानी लीकेज होना चालू हो जाएगा। सब तो एसिड वॉश से हम लोग नॉर्मल पानी में वॉश कर लिए। देखते जाइए खाली फिटिंग तो कोई हालत से करना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ हो रहा था तो इसलिए हम मास्क हाथ का ग्लव्स को खोल लेना पड़ा हमको। छोटा सा वासा कहाँ लग रहा है वो भी देख लीजिए, कहाँ फिटिंग हो रहा है छोटा सा वासा जो है। सही से बैठाना पड़ेगा, वासा बैठ गया। मेन बोल को अंदर घुसा देते हम लोग अंदर। देख लीजिए वासा के लिए वहाँ जगह बना हुआ है ऑलरेडी, अब सही से घुसाना पड़ेगा। चल बैठ गया इसको, अब इसको अंदर घुसाते हैं हम लोग। इसका अंदर एक जाली है, देखिए जाली का थिकनेस ही बना हुआ है, सही से बैठ घुसा देना पड़ेगा। घुसाने के लिए वहाँ पर थ्रेड बना हुआ है पूरा, बस यहाँ एक खींचा हुआ दिया हुआ है और ठीक गैप में बैठ जाएगा। अब ये गैप में बैठ भी गया, अब इसको हम लोग टाइट देते हैं। ये लास्ट है, ये थोड़ा सा टाइट दे दीजिएगा, वो टाइट भी नहीं होगा। अब ये चीज़ को हम लोग को अंदर से घुमा लेना पड़ेगा। अब ठीक जगह थाम लिया, अब टाइट हो जाएगा सही से। अब टाइट कंप्लीट हुआ और घूमेगा भी नहीं वो, जब टाइट कंप्लीट हुआ तो वो घूमेगा भी नहीं। बस इसको हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं, लास्ट है ये है, इसको भी हम लोग खींचा घुसा देते हैं अंदर। ये वाटर लेवल मेजरमेंट करने के लिए, ये जितना वाटर कितना लीटर ले सकते हैं यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये लास्ट का ये है, इसको अटका देना पड़ेगा। वो आयरन हम लोग का छूटा नहीं एसिड से, इसलिए छोड़ दिए हम लोग। हो गया फिटिंग, अब देख लीजिए वो लूज हो गया, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। अब इसको हम लोग नॉर्मल टेस्ट कर लेते हैं कम सिस्टम में लगाने के लिए। आगे हम लोग नॉर्मल टेस्ट कर लेते हैं, देख लीजिए अंदर से आप लोग कर सकते हैं नॉर्मल टेस्ट। अब देख लीजिए थोड़ा यहाँ से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं पहले, बोल को काम कर रहा है कि नहीं, इतना मेहनत की इसको देख लीजिए पहले काम कर रहा है कि नहीं। अब पानी आ रहा है सही से, पानी भी पहले आ नहीं रहा था सही से, अभी पानी देख लीजिए कैसा आ रहा है। अब देख लीजिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अब काम कर रहा है, समझ जाइए काम होता है, उठ गया मतलब बंद हो गया, काम कर रहा है मतलब सक्सेस। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को अच्छे से। चलो एंगुलर बंद करते हैं अंदर का, इसको हम लोग फिटिंग करने का तरीका रेडी करते हैं हम लोग।
देख लीजिए अंदर घुसाते हैं हम लोग, अंदर घुसा के अंदर खीटा का अंदर अटकाना पड़ेगा और अंदर का दोनों को सीधा करके। चलिए बैठ गया, अब कनेक्टर को टाइट करते हैं हम लोग। कनेक्टर टाइट होने के बाद में अब हम लोग को तो पानी तो खोलना पड़ेगा कोई हालत से। चलिए कनेक्टर टाइट तो हो गया, अब हम लोग रिफिटिंग की चालू करते हैं हम लोग। अब इसको अंदर आराम से घुसाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर का प्लेट बदम देख लीजिए कैसे क्या फिटिंग होता है, कैसे जैसा खोल लेते हो वैसे फिटिंग करना पड़ेगा, आगे पीछे तो कुछ कर नहीं पाइएगा आप। एक आप एक डाउन हिसाब से इसको टाइट करना पड़ेगा, डाउन आप नहीं कर पाइएगा, ये जैसा आप है इसको डाउन करना पड़ेगा। ये पूछ डंटी है इसको पूरा अंदर घुसा के टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। हो गया, अब प्लेट का कुछ ये नहीं है, जब वगैरह देख लेना पड़ेगा लोगों बस। अब कंप्लीट हो गया प्लेट भी सक्सेस है, वो भी देख लीजिए पानी आ रहा है कि नहीं, हो गया आराम से देख लीजिए कैसा पानी है, फ्रेश पानी, कोई तकलीफ की बात नहीं, पानी सही आ रहा है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, वीडियो जब अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलने का। चलिए ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।